मिथुन राशि वालों का 22 अगस्त 2020 का राशि फल। तो नमस्कार मित्रों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन, क्या-क्या बदलाव होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक और उपाय है, तो आप उसे भी देखें, सुने और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं हो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, बेसिक बाबा को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के नीचे जय बजरंगबली कमेंट कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके धन संपत्ति के बारे में। दोस्तों, पैसों के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। आज के दिन अपने खर्चे पर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने फिजूल खर्ची पे अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आने वाले समय के दौरान पैसों के मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार है। आज के दिन आपके बॉडी में ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा रहेगा और इस वजह से आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। इसके बाद है आपका घर परिवार। तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार है। आज के दिन आपके घर परिवार का माहौल, आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और इस वजह से आज के दिन आपके घर परिवार में आपको कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। दोस्तों, आज के दिन आप पूजा पाठ, हवन, कर्म कांड यानी कि धार्मिक कार्यों में आपको रुचि लेना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आज के दिन अगर आप धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, तो यह आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी है। इसके बाद है आपका कामकाज। तो कामकाज के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार है। आज से पहले अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम किसी भी कारण से अधूरा था, पूरा नहीं हुआ था, तो आज के दिन अपने अधूरे काम को आप पूरा करने का प्रयास करें। वैसे अगर आपके प्रेम संबंध की बात की जाए, तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे सही रहेगा। आज के दिन आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। तो उपाय बहुत ही ज़्यादा सामान्य है। आज के दिन आप हरी ज्वार का दान करें या गौ माता को खिला दें। अगर आप ऐसा करते हैं, इस टोटके को अगर आप आजमाते हैं, तो आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और सफ़ेद। आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है 7 यानी कि 7। तो यही था आपके आज के दिन का राशि फल। इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद। जय सिया राम।